ये मेरा बर्लिन का दूसरा ट्रिप है, लेकिन इस ट्रिप का मकसद पहले से बहुत मुख्तलिफ है। काफ़ी अरसे से मैं यूरोप में बसते हुए पाकिस्तानी व्लॉगर्स को फॉलो कर रहा था, जो कि अपने अपने अंदाज से लोगों के दिल जीत रहे थे। कोई दुनिया घूमने और घुमाने में मसरूफ़ था, तो कोई उसी दुनिया की खूबसूरती को मुख्तलिफ एंगल से कैप्चर करने में, कोई आम सी चीज़ों को फिल्मी रंग देने में, तो कोई अपना लोहा मनवाने में। तभी मैंने इरादा कर लिया कि भैया आप उनको इन सबसे मिलना मांगते हैं। फिर क्या था, भाई ने सबको कॉन्टेक्ट किया, किसी को फ़ोन घुमाकर तो किसी को इंस्टा पे मैसेजेस करके। उन 7 दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब लोग अपने अपने काम छोड़कर ईद के दिन मेरे बुलाने पर यहाँ चले आए। ये तो आपको आने वाले व्लॉग्स देखकर पता चलेगा, लेकिन उन 7 दिनों की मेहनत का नतीजा आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। काला क्यों आ रहा हूँ मैं, अब सही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दिन एक तो वैसे ही बड़ी खुशी का दिन होता है, लेकिन मेरे लिए शायद ईद की खुशियाँ आज दुबाला होने वाली हैं। तो भाई रेडी हो गया हूँ मैं, जगह पे पहुँचने वाला हूँ। जगह का नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन जगह अच्छी है। नाम है बिकनी बर्लिन। कोई ऐसा वैसा सीन देखने को नहीं मिलेगा, एक बड़ा शरीफाना सा मॉल है। वैसे आज आप नोटिस कर रहे हैं फॉर्मल शर्ट पहनी है भाई। एक दिन पहले स्पेशल गया हूँ बाल शाल कटवाने, मतलब इतना प्रेशर था मुझ पे कि यार मतलब अच्छा करना ही करना है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मेरा पहले पढ़ चुका है, लेकिन अब सारे इकट्ठे आ रहे हैं ना, जज ना करें। सही लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ ना। पहला बंदा मैंने रस्ते में पकड़ लिया, बड़े अच्छे बंदे यार, कभी टाइम पे नहीं आए, आज टाइम पे आ गए। अहसन भाई सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने प्रॉपर स्वैग वाले चश्के देखने हैं ना, सिनेमैटिक स्लोमो स्लोमो शॉट्स, प्रॉपर बॉयज हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मीर कैसे हो? एक टाइम पे सारे बंदे इकट्ठे करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। बड़े भाई चल रहे, कॉल करता हूँ। लड़कियाँ हमेशा लेट होती, लोंडे पहुंच जाते हैं, एक शर्ट चढ़ानी होती है, हम रेडी हैं भाई पहुंचो। लड़कियों का सीन थोड़ा डिफरेंट है, मेकअप करना है हमने। चंडे करेंगे मुझे व्लॉग देख के, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वाइफ साहब इनाल कहाँ पे हो? क्या हो, मैं रास्ते को आ रही। कितना लंबा रास्ता है? कितना नहीं, ऐसा बताओ ना, कितना? 5 मिनट का, 10 मिनट का? मुझे 20 मिनट्स। 12 बजे कहा था? 12 काम करती ना। अच्छा मिनाल, संडे है यार, संडे को कौन सा काम होता है? बस आई हैव अ लाइफ। बातें सुनो लड़की क्या। 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 1 घंटा न्यू मेंबर ऑफ XYZ ग्रुप। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मिनाल आ गई है फाइनली। अभी कोई हैवी किस्म की सिनेमैटिक सी शॉर्ट्स बनने वाली हैं। असद भाई उसके डायरेक्टर होंगे, मिनाल एक्टर होगी। तुम्हारा है ना फिल्म मेकिंग है, ये ब्लॉगर है, ये ब्लॉगर है, और तुम फोटोग्राफर है। सर आपके खेल रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप। डेजर्ट में हो ठीक है, मैं सिगरेट पीना है ठीक है। अब तुम सिगरेट है तुम्हारे पास, लाइटर नहीं है, कैसे जलाओगे? डेजर्ट में मुझे सिगरेट की तलब ही नहीं होगी। बस तुमने पीना है, सिगरेट की तलब हर इंसान को कहीं भी कभी भी हो सकती है। चलो मैं बताऊँ क्या है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दी, आग से आपने सिगरेट जला लिया। गुड लंच। Lunch. Meer. Bowling. I'm not even hungry to be honest, yeah. But I'll have lunch. I'm with that guy. You see me. What's your opinion on the mango? Let's have conversation. Yeah, that's my boy. End mein bas ya laga do, gore ban jao. खाना खाने जा रही है, खाना बड़ा फिट किस्म है। सब भी पता नहीं खाना खाने आज कोई जगह रोस्टर्स
का बर्गर आपने खाया है? शाम रोस्टर पैसा बर्गर है, बहुत बढ़िया। अच्छा ना हुआ पैसे वापस लेना भी बहुत अच्छा। अगर आपको जर्मनी में आके रोस्टर बर्गर का टेस्ट चाहिए तो भाई यह हाला। खाना वाना खा के अब थोड़ा मीनाल भाई का वेट हो रहा है, अभी तक वो पहुंचे नहीं है, लेकिन एक और बंदी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे आपको मिलवाता हूँ। क्या सीन है? ट्रैवलिंग करती हूं, आर्ट्स में एक्सपीरियंस शेयर करती हूं। फाइनली मीनाल भाई आ गए हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत इंतजार कराते हैं यार, बहुत बहुत इंतजार बहुत दौड़ लगा के आए हैं, तो मीनाल भाई से शिकायत नहीं है हमें। सब बड़े दूर दूर से आए हैं माशाल्लाह, ये तो दो दिन से सोई भी नहीं है। अभी हमारी व्लॉग की एंडिंग चल रही है, तो सब ने ज्वाइन किया, और सबसे पहले तो मुझे खुशी बहुत हुई कि मेरे बुलाने पे आप सब लोग आए, मीर और वो भी। तो यार सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करूंगा कि थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय यार, बाय बाय कहते हैं, बाय बाय कहते हैं, बाय बाय कहते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। बर्लिन से तो आज मेरी वापसी हो रही है, पर यहाँ से मैं अकेला नहीं जा रहा, बल्कि अपने साथ बहुत सी यादें और खूबसूरत लम्हे लिए जा रहा हूँ। वैसे तो जब आप परदेश में अकेले रहते हो तो ईद के मौके पर घर वाले बहुत याद आते हैं, लेकिन अगर परदेश में ऐसे दोस्त मिल जाएं तो वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जैसा कि आप सब लोग मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। तो जिस तरह मिनहाल भाई कहते हैं ना, फिर आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बर्लिन मीटअप की एक्साइटमेंट लेवल चेक कर रहे हैं, बंदे ने अपर उल्टा पहन लिया है। चेक करें एक्साइटमेंट लेवल, चेक करें इसका। जब काम ही मतलब क्या करेंगे, इतनी जिम्मेदारियां आप पे। एक तो इवेंट मैनेजर बना दिया, ऊपर से बातें। मैनेजमेंट का काम आसान नहीं है, बता रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं आप लोग। मेहमानों को बुला के खुद यहाँ पे बैठे हैं, मेहमान वेट कर रहे हैं। पहला और आखिरी मीटअप नहीं करना।